मौजूद हैं, भाजपा गठबंधन अपना दल एसके प्रत्याशी जी, इनसे हम सीधा बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे आप? जनता के बीच जा रहे हैं, गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है, बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है, आप लोग देखो ना कितना समर्थन मिल रहा है, और इनके सारे चुनाव जीतेंगे जनता के। अच्छा, हमने स्वार की जनता की राय जानी, उनकी यही डिमांड थी कि लोकल का ही प्रत्याशी होना चाहिए, दोनों तरफ दोनों पार्टियों ने ही लोकल का प्रत्याशी चुना, तो लोकल का होना चाहिए, लोकल में भी तो तय करेंगे ना कौन अच्छा कौन गलत है, कौन काम करा सकता है कौन नहीं करा सकता है, और चार साल की सरकार है हमारी माननीय मोदी जी योगी जी के, जो काम है उसके बल पर हमें वोट मिलेगा, और भी तमाम विकास कार्य होंगे यहाँ से जब MLA बनेंगे हम, तो इंशाल्लाह जनता की जो डिमांड है उसको पूरा होगा और काम करेंगे। अच्छा, बसपा और कांग्रेस ने तो उपचुनाव से किनारा कर लिया, ऐसे में सीधा सीधा जो आपका मुकाबला है वो सपा प्रत्याशी से, सीधा सीधा आजम खान के प्रत्याशी से, क्या कहेंगे? आजम खान के यहाँ वो तो रिटायर्ड हो गए, उनका क्या मुकाबला है, उनका कोई मुकाबला नहीं है, अब ये जनता हमारी है, जनता जनार्दन है, ये जनता है, अब जनता हमारे साथ है और 100% चुनाव जीतेंगे। अच्छा, आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्या क्या समस्याएं आपको जनता बता रही है? समस्याएं हैं कुछ, जो सड़कों की समस्याएं हैं, कुछ ट्रांसफार्मर की समस्याएं हैं, कुछ और ज़्यादा कुछ बड़ी समस्याएं, लिंक रोड की समस्याएं हैं, तो उनका इंशाल्लाह विधायक बनेंगे तो उनका सब समाधान कराएंगे। अच्छा, अब्दुल्ला आजम ने कहा है मिलक में जनसभा को संबोधित करते हुए कि 5 साल में कई MP MLA आए और चले जाते हैं, मैंने अपने बाप की कलम से कई MP MLA को निकलते हुए देखा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो वोट का भी अधिकार खत्म हो गया उनका, उन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाया, 2 बार वो इस MLA बन के चले गए, और उन्हें अदालत ने भी रास्ता दिखा दिया, उन्हें बाहर का माननीय न्यायालय ने, तो वो सब सेवानिवृत्त हो गए, उनका कोई कहने का औचित्य नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं 2 बार यहाँ से विधानसभा से जीता और दोनों बार में साजिश का शिकार हुआ जिसके कारण मुझे अपनी सदस्यता खोनी पड़ी। साजिश का शिकार नहीं हुए, उन्हें पता था कि मेरी उम्र कम है तो उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, जनता पे बार बार बोझ डालना, वोट डालना, जनता भी तो परेशान होती है ना, और एक चुनाव में 10 से 15 करोड़ गवर्नमेंट के खर्च होते हैं, तो ये सब जो है जनता को ठगा है, अगर उन्हें मालूम था कि हमारी उम्र कम है तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, कोई दूसरों को मौका देते, क्षेत्रवाद क्षेत्र के लोगों को मौका देते, लेकिन वही उन्होंने कार्ड खेला है, जो अब कार्ड खेला है आजम खान साहब ने, जो कार्ड खेला है कि साहब 6 साल के बाद ये जो है फिर हमारा लड़का लड़ेगा, इसलिए टिकट दिया गया, जो मौजूदा को टिकट दिया है यहाँ पर। अच्छा, आप स्वार की जनता से क्या अपील करेंगे? स्वार क्षेत्र की जनता से मैं ये अपील करूँगा कि आप माननीय योगी जी, माननीय योगी जी के जो सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसके जो योजनाएं हैं उसके बल पर, और जो जितने काम हैं सरकार के काम हैं उसके बल पर आप चुनाव को जिताइए, और तमाम यहाँ योजनाएँ होना है, चूँकि यहाँ पर 35 साल से कोई भी यहाँ फैक्ट्री नहीं है, चूँकि लोकल का MLA होता तो उसको पता होता कि यहाँ पर फैक्ट्री होना चाहिए थी, तो मेरा पहला उद्देश्य होगा कि यहाँ पर एक फैक्ट्री का कोई निर्माण हो, चूँकि मैं जिस पार्टी से लड़ रहा हूँ अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी से, तो वो जो उद्योग मंत्री हैं, तो इंशाल्लाह हम उनसे अर्जी लगाएंगे और हमारी अर्जी स्वीकार करेंगे, यहाँ पे जल्दी एक फैक्ट्री का निर्माण कार्य कराएंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिले, 2.5-3 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा, परिवार के लोग, तो मैं यही कहूँगा, जनता से अपील करूँगा कि आप सरकार, चूँकि सरकार है 4 साल की, सरकार के होने के बहुत फायदे होते हैं, और सपा को वोट देने का मतलब है वोट गड्ढे में डालना है, इसलिए बिल्कुल जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, हर जाति हर वर्ग हमारे साथ है, और इंशाल्लाह इनके भरोसे हम चुनाव जीतेंगे। ये थे हमारे साथ अपना दल एस के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी जी, जिन्होंने कहा है कि सरकार की नीतियों पर जनता वोट करेगी, और मैं जीत के बाद मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी कि मैं फैक्ट्री का निर्माण कराऊंगा और जनता को रोजगार दूंगा। मेरे सहयोगी के साथ मैं अंजू प्रजापति, जनता और सत्ता, रामपुर।